ने न जाने आज तक कितनी ही गाड़ियां देखी होंगी, साथ ही उसमें लगे हॉर्न को भी देखा होगा। कार हो या बाइक, बस हो या ट्रेन, आपने सभी के हॉर्न की आवाज कभी न कभी तो जरूर सुनी होगी। लेकिन आपने कभी फ्लाइट में लगे हॉर्न के बारे में सुना है या फिर कभी उसकी आवाज सुनी है? जी हाँ, फ्लाइट में भी हॉर्न लगे होते हैं। लेकिन जब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में हॉर्न का क्या काम, अगर आप नहीं जानते हैं कि फ्लाइट में हॉर्न क्यों और किस परिस्थिति के लिए लगाए जाते हैं, तो आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी दूसरे हवाई जहाज को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि एक ही रूट पर दो फ्लाइट के आमने सामने आने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा प्लेन में लगे हॉर्न का इस्तेमाल पंछियों को हटाने के लिए भी नहीं किया जाता है। दरअसल फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। अगर फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, तो उसमें प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। फ्लाइट का हॉर्न उसके लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में लगा होता है और इसका बटन प्लेन के कॉकपिट पर होता है। इस बटन के ऊपर GND लिखा होता है। इस बटन को दबाने पर फ्लाइट का अलर्ट सिस्टम चालू हो जाता है और इससे सायरन जैसी आवाज निकलती है। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।